करनाल के सेक्टर 14 में बुधवार को एक रिटायर्ड महिला टीचर का शव गली सड़ी हुई हालत में मिला। शव को कुत्तों ने बुरी तरह से नोच रखा था। टीचर घर में अकेली रहती थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रिटायर्ड महिला चंचल शर्मा सेक्टर 14 में बने मकान में रहती थी। बुधवार को पड़ोसियों को घर से बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब घर को खोला तो अंदर सड़ी हुई हालत में चंचल शर्मा का शव पड़ा था। कुत्तों ने शव को बुरी तरह से नोच रखा था। घर के मेन गेट का दरवाजा अंदर से बंद था लेकिन कमरे का दरवाजा खुला था। पुलिस अब जांच कर रही है कि चंचल शर्मा की हत्या की गई है या आकस्मिक मौत के बाद उसके शव को कुत्तों ने नोच डाला। पुलिस मृतका के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि चंचल शर्मा का तलाक हो चुका है। चंचल शर्मा हरियाणा के शिक्षा विभाग से रिटायर्ड थी और अधिकतर नौकरी झज्जर जिले में की थी। पिछले काफी लंबे समय से करनाल में रह रही थी। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की कार्यवाही कर रही है। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है इनका? तो कितने सालों से देख रहे हैं आप यहाँ इनको? हम तो 25 सालों से देख रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल अकेले हैं ये तब से? नहीं, अंकल आंटी दोनों रहते थे, पर ये सुना था डाइवोर्स हुआ इनका। अच्छा जी, ये नहीं पता था वो इनके बारे में। नाम नहीं पता। शर्मा परिवार है? शर्मा, बस वही बाहर देखा था आपने इनको? अगर हमने तो मैं 8-10 दिन पहले जब बाजार गए थे तभी नहीं देखा था इसको। उसके बाद सरकारी रिटायर्ड है कोई इनमें से? कोई कभी कोई जो इसका आता था? इनकी शायद हस्बैंड की कुछ रिलेशन में थी जी। हमारे पता चला है कि भाई ये चंचल शर्मा है, इनके घरवाले का नाम गोपाल शर्मा है। ये पता लगा भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी ये महिला भी। हाँ, और करीब 20 साल से यहाँ रह रही थी। अकेले रह रही थी? अकेले रह रही थी करीब 20-22 साल से। अच्छा, तो डेड बॉडी को देख कर ऐसा लगता है कि कुत्तों ने खाया हो या ऐसा कुछ लग रहा है जैसे किसी जानवर ने इसको खा रखा? जानवर ने खा रखा? तो कोई हत्या की आशंका तो नहीं? हत्या की कोई आशंका नहीं। तो ऐसी भूख से मर गई होगी या ठंड वगैरह? हाँ, जैसे भी है, मतलब हत्या की कोई आशंका नहीं। तो क्या किया जाएगा आगे की कार्रवाई? पोस्टमार्टम करा के नियम अनुसार जो कार्रवाई पड़ेगी वो करें। क्या परिवार के लोगों को कुछ पता लगा? परिवार के लोगों का पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अम्बाला से फोन आता था, उस फोन का पता लगवाने को मिल नहीं रहा, उसका पता लगवाने के लिए मैसेज कर दिया। थैंक यू जी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।